Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो आ गए हैं दोस्तों, फाइनली वी आर बैक एंड एग्जाम्स खत्म हो गए, रियल मैड्रिड का प्री सीजन भी खत्म हो गया है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एनीवेज, रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस. सबसे पहले तो यार, व्हाट अ गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड. ठीक है, आई वॉज नॉट एट ऑल इवन एक्सपेक्टिंग कि रियल मैड्रिड इतना अच्छा खेल जाएगी, रियल मैड्रिड इतना डोमिनेंट खेलेगी, विच क्लियरली हैज नॉट बिन द स्टोरी लास्ट सीजन. रियल मैड्रिड जो भी बिग टीम्स को फेस करती थी, उनको डोमिनेट करके गेम्स नहीं जीतती थी. देवर लाइक क्विक बिल्डअप, जैसे ही बॉल आएगी एंड दे वुड ट्राई टू स्कोर, दैट वुड हैव बीन इट. बट फर्स्ट हाफ की अगर मैं आप पर्टिकुलरली बात करूँ ना, रियल मैड्रिड हैड 63% पोजेशन एंड यूवेंटस हैड 37% पोजेशन. एंड रियल मैड्रिड ने पोजीशन सिर्फ अपने हाफ में नहीं रखा, रियल मैड्रिड वर डोमिनेटिंग. रियल मैड्रिड ने अटैक किया यूवेंटस को बहुत अच्छे से. इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो रियल मैड्रिड ने एक हाई लाइन खेली, रियल मैड्रिड ऑपोजिशन के हाफ में ज़्यादा दिखी. दैट इज समथिंग विच यू हैवंट सीन सिंस अ लॉन्ग वाइल. जिडान के अंडर में भी हमने मिड ब्लॉक खेला था, बट यहाँ पे फोलॉन मेंडी भी काफ़ी आगे खेल रहा था भाई. ही वॉज डिप्लॉयड एज अ लेफ्ट यू नो फॉरवर्ड, वो बहुत ऑफेंसिव खेल रहा था एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि फोलॉन मेंडी का हमने देखा है कि वो ओवरलैपिंग रन्स नहीं बनाता, बट यहाँ पे वो काफ़ी आगे डिप्लॉय किया गया था. आई थिंक कार्लो एंचेलोटी ने उसको यही इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि तुझे आगे रहना है, यू नीड टू रिसीव द बॉल एंड यू नीड टू क्रॉस. फोलन मेंडी ने कुछ दो तीन क्रॉसेस डाले भी थे. खैर, फोलन मेंडी से हटके आई थिंक आलाबा भाई बीच में तो राइट मिडफील्डर बन गया था. यू नो दैट कॉन्फिडेंट ही वॉज कि यार मैं आगे जाऊंगा तो भी यूवेंटस मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये यूवेंटस साइड काफ़ी डल थी, दे हैड नो फायर पावर इन दैम. आई थिंक कोर्तुआ को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया एंड रियल मैड्रिड हैड एन अमेजिंग अमेजिंग गेम. मे को तो सुपर कप वाले गेम के लिए यार फुल एक्सपेक्टेशन है कि रियल मैड्रिड ले जाएगी, बिकॉज हमने हमारी पूरी फर्स्ट टीम खिलाई जो सेम हम चैंपियंस लीग में खिलाते थे, वैलवर्डे, विनीसियस, बेंजेमा, क्रूज, कैसेमिरो, मॉड्रिच, अलावा मिलिता, मेंडी, कारवाल, यही जो हमारे मेन प्लेयर्स थे लास्ट सीजन, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर एक गेम स्टार्ट किया है इन द चैंपियंस लीग, इन द इंपॉर्टेंट गेम्स बेसिकली. एंड हमने हमारे सेकंड हाफ में रुडिगर को आते हुए देखा, जो कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया एट अ सेंटर बैक, बैक टू एट अ बैक फोर. ठीक है, रुडिगर ने काफी स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस दिए, ही इंटरसेप्टेड द बॉल रियली रियली वेल. उसका जो बॉल कंपोजर था वो काफी अच्छा था, ही न्यू व्हाट ही नीड्स टू डू विद द बॉल. तो रुडिगर काफी एक सॉर्टेड सेंटर बैक है. एंड मैं अगर ऑनेस्टली आपको बोलूँ ना, रिसेंसी बायस को हटा के भी अगर मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से अगेंस्ट द गेम इन फ्रैंकफर्ट, कार्लो एंचेलोटी ने ऑलरेडी कह दिया है कि यार मैं तो अपनी पूरी चैंपियंस लीग विनिंग वाली टीम के साथ जाऊंगा, मैं चुआमिनी रुडिगर को स्टार्ट नहीं कराऊंगा. आई हैव टू डिसअग्री विद हिम हियर. आई फील कि रुडिगर को स्टार्ट कराना चाहिए. आई थिंक ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज टू सक्सीड एट रियल मैड्रिड एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज बेटर देन बोथ अलाबा एंड एथर मिलिताओ. ठीक है, राइट नाउ ऑल्सो एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑल्सो एज अ सेंटर बैक. ठीक है, आई डू फील कि रुडिगर को स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज रुडिगर में वो एक्सपीरियंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेगा जैसे एदर मिलिताओ ऑफ लेटली करता आया है. ठीक है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एदर मिलिताओ को यार इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, इज अ यंग प्लेयर. ठीक है, सेंटर बैक्स को एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू बी यू नो वर्ल्ड क्लास. एदर मिलिताओ एक सीजन काफ़ी अच्छा दिया उसने हमको एंड आई होप कि आगे जाके भी देगा, बट आई डू फील कि हमको रुडिगर को बैकलाइन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कैसे भी करके, एंड नॉट एज अ फुल बैक, एज अ डिफेंडर. ही हैड अ स्प्लेंडेड गेम मेरे हिसाब से, एंड नॉट जस्ट हिम, मेरे हिसाब से हेसूस, एक सेकंड, हेसूस भाई वो लेफ्ट बैक खेल रहा था ना, मतलब मैं जितना भी उसको देख रहा था ही वॉज एक्टिंग एज अ लेफ्ट बैक. एंड भाई हैजार्ड लुक्ड सो गुड टुडे. ठीक है, दैट वॉज समथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. वो टेकऑन्स ले रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू ड्रिबल, ही वॉज कनेक्टिंग विद हिज टीममेट्स. एंड जो सेकंड गोल, जो असेंसियो का गोल था ना, उसमें क्या लवली लिंकअप देखा है हमने बिटवीन असेंसियो, हैजार्ड एंड वायो. हैजार्ड वॉज द मास्टर बिहाइंड दैट लिंकअप प्ले, उसने बहुत अच्छा कनेक्ट किया एंड हेसूस फालियो ने बहुत अच्छा पिन पॉइंट पास प्ले किया असेंसियो को. तो दैट वॉज अन अमेजिंग अमेजिंग गोल. फर्स्ट वाला गोल जो बेंजेमा का गोल था, उसमें विनीसियस को फाउल हुआ एंड दैट्स हाउ ही वन द पेनल्टी फॉर करीम बेंजेमा एंड बेंजेमा स्लॉटेड इट राइट होम. तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूवेंटस से तो मेरे को पहले से एक्सपेक्टेड था कि वो ज्यादा कुछ ऑफर कर नहीं पाएंगे. अनहेल दी मारिया का मैच था अगेंस्ट रियल मैड्रिड. फर्स्ट हाफ को ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट हाफ को मैं इतना अच्छे से नहीं देख पाया हूँ, बिकॉज साला मेरा सोनी लिप बराबर चल नहीं रहा था एंड जियो टीवी पे भी कुछ इश्यूज चल रहे थे. बट टॉकिंग अबाउट द सेकंड हाफ, रियल मैड्रिड हैड अमेजिंग अमेजिंग डिस्प्ले. अभी काफी लोग ये कह रहे हैं दैट हम जैसा यूवेंटस के खिलाफ खेले हैं, हमें वैसा ही खेलना चाहिए सीजन थ्रू आउट. यार फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव टू डिसएग्री अ बिट. यूवेंटस एक ऐसी टीम है जो यू नो ऑन द डिक्लाइन है राइट नाउ. दे नीड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द टीम टू बी अ वर्ल्ड क्लास टीम अगेन. एंड राइट नाउ फोर्थ आई थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट सीजन यूवेंटस फॉर द चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए भी. तो
दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन दोस्तों. आई फील कि रियल मैड्रिड ने एक सही डिसीजन लिया एंड मेरे हिसाब से इन गेम अडेप्टेबिलिटी जो कार्लो एंचेलोटी करता है, आपने ये वही देखा है दैट रियल मैड्रिड प्रेस्ड देयर ओपोनेंट एंड रिग्रेस प्रेसिंग, डिसजॉइंटेड या डिसऑर्गेनाइज प्रेसिंग करते ही नहीं थी, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रेसिंग करी है आज रियल मैड्रिड ने, एंड दैट इज समथिंग यू वॉन्ट टू सी अगेन एंड अगेन. बट अगेन, अगर आप क्रूज कैसेमिरो मॉड्रिच के साथ जा रहे हो, आपके पास बेंजेमा एज अ स्ट्राइकर है, आप नहीं करवा सकते उनसे प्रेसिंग. एंड कल यश भाई ने भी ये स्पेसिफाई करा दैट प्रेसिंग इज नॉट नॉट सो इम्पॉर्टेंट. रियल मैड्रिड इज नॉट अ प्रेसिंग टीम, वी वन द चैंपियंस लीग. ठीक है, जो आजकल की जो मॉडर्न मैनेजर्स या मॉडर्न टैक्टिशियंस है, योगन क्लॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हांजी फ्लेक, नागल्समैन, ये अपने प्रेसिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. दैट डजंट मीन कि एवरी मैनेजर हैज टू इम्प्लीकेट दैट इन ए सिस्टम. दीज गाइज हैव देयर आइडियोलॉजीज ऑफ प्रेसिंग. ठीक है, इट डज नॉट मीन कि कार्लो एंचेलोटी, टुखेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरी मैनेजर हैज टू डू दैट. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. तो दिस इज प्योरली इन गेम अडेप्टेबिलिटी. ठीक है, आई डोंट फील कि रियल मैड्रिड अगेन एंड अगेन ये करने वाली है. रियल मैड्रिड यू नो अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट तो ये कर ही सकती है, बिकॉज आई फील कि फ्रैंकफर्ट डज नॉट हैव प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स, बट यूवेंटस ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स. सॉरी, लोकाटेली को छोड़ के उनके मिडफील्ड में ऐसा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि प्रेस को बहुत अच्छे से डील कर पाए. ठीक है, जिसका बॉल कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई हुए, ही डज नॉट क्रम्बल अंडर प्रेशर. ठीक है, तो इसलिए रियल मैड्रिड ने ऐसा करा था. बट अमेजिंग अमेजिंग गेम यार, हैज़र्ड ने अच्छे मोमेंट्स दिए हमको, वालेहो भी काफी अच्छा लगा एज ए लेफ्ट बैक दोस्तों. एंड आई एम रियली रियली वेरी हाइप्ड अप फॉर द गेम अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट. ठीक है, रियली रियली थैंकफुल. विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो. ठीक है, उतना क्वालिटी वीडियो अच्छा नहीं बनाई है मैं जानता हूँ, बट प्लीज स्पेयर मी, बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ. हालांकि मदरी दी नाना मास हस्ता फिनाल वामोस रियल सू.